So, hello, assalamu alaikum friends, and welcome back to another interesting vlog. वैसे ये है मम्मा vlog. Intro मैंने दिया है, तो आज हम जा रहे हैं कहीं इफ्तार करने, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है. और इधर सिनेमा जी हैं, जुहैब है, सुबान भाई हैं, फरहान है, मैं हूँ, मम्मी. तो हम सब जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे. बाकी सब रेडी हो रहे हैं तो आपको दिखाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. तो आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के शुक्र से. तो आज है 24 रमज़ान और अमान कह रहा है कि जामा मस्जिद में रमज़ान खोलेंगे, रोज़ा खोलेंगे उधर ही, तो रोज़ा अफ्तार उधर ही करेंगे जामा मस्जिद में. तो आपने जामा मस्जिद तो देखी है, बड़ी जामा मस्जिद है दिल्ली की. तो आज हम सब इकट्ठे होकर चल दिए हैं और हम हैं 6 जने, जिसमें हम पीछे बैठे हैं, मैं, जुब्बी, सना और फरहान पीछे हैं, अमान और सुबहान आगे है कि सुबहान गाड़ी चला रहा है. तो हम चल दिए हैं जामा मस्जिद की तरफ. तो चल दिए हैं हम. अभी देखिए यहाँ पर मेट्रो भी दिखाई देगी और मेट्रो हमें हमेशा दिखती है जब हम निकलते हैं कहीं पर. तो हम जा रहे हैं गाड़ी से और मेट्रो जा रही है ऊपर ब्रिज पर. और जामा मस्जिद सामने नज़र आ रही है और ये जामा मस्जिद से हम काफ़ी दूर हैं, लेकिन हमें ये दिख रही है सीधा. और हमें तो गाड़ी पार्किंग में लगानी है, तो हम गए हैं पार्किंग में लगाने दरियागंज की तरफ. तो दरियागंज में हम गाड़ी को लगाएंगे और पहुँचने वाले हैं बिल्कुल दरियागंज में. और उधर हम पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे क्योंकि गाड़ी वहाँ अंदर तक नहीं जा रही है मस्जिद तक, या आगे के रोड जो हैं अंदर के. सभी को पता है कि दिल्ली के आगे के रोड में बड़ी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं जाती है, और बड़ी तो बड़ी, छोटी भी नहीं जाती है. तो हम पकड़ लेंगे वहाँ से रिक्शा, क्योंकि रिक्शा हमें थोड़ी बहुत दूर ले जाएगा. हम गाड़ी में से निकल रहे हैं, जो चीज़ चाहिए हमें, चादर वगैरह, वो ले ली हमने बिछाने की. सना जल्दी से आ जाओ. तो हम पहुंच चुके हैं वहाँ ऊपर, सीढ़ियाँ भी चढ़ चुके हैं. तो हम पहुंच गए हैं जामा मस्जिद के अंदर और हमें जल्दी से जगह घेरनी है. जगह मतलब हमें अपनी चादर बिछानी है. बहुत लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी चादरें बिछा कर अपना दायरा बिछाते हैं, चटाइयाँ, और उस पर हम अपनी बैठ जाते हैं. तो सब फैमिली आई हुई है बहुत सारी. अभी तो हमें आराम से जगह मिल गई है, थोड़े थोड़े लोग बैठे हुए थे क्योंकि 5 बज रहे हैं. हमने 5 बजे से जगह ली थी और बहुत पत्थर गर्म हो रहा था नीचे का. और हम बैठे हैं कुछ बीच के हिस्से में, ना तो हम आगे बैठे थे और ना हम पीछे ज़्यादा. तो कुछ बीच की जगह ली थी, यहाँ थोड़ी सी मीनार से छाया आ रही थी और मैं अभी खड़ी हुई हूँ. और कुछ मैंने दो अपने इन बच्चों को नीचे छोड़ रखा था कि कुछ खाने पीने का लेकर आ जाएंगे. अमान और सुबहान को नीचे छोड़ा था कि नीचे से पानी जो शरबत होता है सब बिक रहा था नीचे, पूरी चीज़ें खाने की, तो ये लेकर आएंगे. और मैं दिखा रही हूँ कि हम आ चुके हैं और अभी सब बस आ ही रहे हैं, यही चल रहा है. और जब हम पहुँचे थे तो असर की नमाज़ हो रही थी, तो हो चुकी है अभी. और सब अपनी जगह ऐसे बनाकर बैठे हुए हैं जैसे मैं ये दिखा रही हूँ. और ये अभी बिल्कुल शाम का टाइम होता जा रहा है, फिर दोबारा से लिया मैंने. अब ये मैंने लिया था कि बिल्कुल सूरज छुप रहा है, शाम हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं अभी. और ये जो जगह बच रही है सब की चादरों के बीच में, जो 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 चटाइयाँ बिछी हैं इसमें भी सब भर जाएंगे, इतनी सी भी जगह नहीं रही थी. बाद में हमने ठीक से बना नहीं पाए क्योंकि फिर तो दिख ही नहीं रहा था हमें कहाँ से बनाना है. तो हम बैठे हुए हैं अपने, और हमने भी नमाज़ पढ़ ली थी और हम आए हैं तो अब फ़ोटो लेंगे ही. तो ये सना अपने फ़ोटो ले रही है, मेरे भी ले रहे हैं सब. तो अब कभी खड़े होकर हमने एक दो जगह वीडियो कॉल भी कर ली कि हम यहाँ पर आ चुके हैं. और देखिए बिल्कुल दिन छुपता जा रहा है, तैयारी हो रही है. और आदिल मेरा भांजा आने वाला है, तो यहाँ पर आदिल आएगा हमारे पास.
और मम्मी ब्लॉग में बोल लो। बारिश आ गई, बारिश आ गई, चादर। और सस्ता क्रिश तो यहाँ आ गई थी बारिश। देखिए सबके बाल कैसे भीग गए हैं। और जो हमने यहाँ पर एक दस्तरखान सफरा प्लास्टिक जो होता है वो ख़रीदा था, तो हमने उसी को अपने सर पर रख लिया था और उसी से हमने अपने भीगने का कपड़े वपड़े बचा लिए। तो थोड़ी सी बारिश आई थी और ये सब देखिए आ रहे हैं। और इतनी इतनी सी जो जगह बची थी हमारे पास में, उसमें ही भी ये सब बैठ रहे हैं। और सभी आ रहे हैं, कौन होंगे, सभी अपने अपने घर से आ रहे हैं। और क्योंकि हम किसी को बता के नहीं आए हैं, हमारे भी सब बहुत सारे उन्हीं गलियों में रहते हैं लेकिन हम किसी को बता के भी नहीं गए हैं। और वो भी सब कोई ना कोई आता था लेकिन हमने किसी को बताया ही नहीं है और अचानक हम चले गए हैं इधर। तो अभी देखिए कैसे पास पास में सब बैठ चुके हैं। अब बिल्कुल भी जगह नहीं थी, जो एक बिलान की भी जगह बची थी तो वहाँ भी सब आके बैठ चुके हैं। और अभी मेरा भांजा ही इस पब्लिक में खड़ा हुआ है जो हमारे पास तक नहीं आ पा रहा है। तो ये आ गया ग्रीन टी शर्ट में मेरा भांजा, कुछ ठंडा लेकर आया था क्योंकि अब घर से निकला था, तो एक पानी की कैन भी लेकर आया था और कुछ ठंडा बाज़ार से भी लेकर आया था जो शरबत रहते हैं। तो ये आ गया है, जल्दी से बैठ गए हैं और बिल्कुल एंड टाइम हो गया, अब बिल्कुल अफ्तार का टाइम हो चुका है। तो बस हमने कुछ ख़रीदा था नीचे से सामान, जिसमें फ्रूट कटे हुए थे और जो भी खाने पीने की चीज़ें, समोसे और भी बहुत सी चीज़ें, और आदिल लेकर आया है अभी। तो ये अफ्तारने का टाइम हो चुका है, बस हम थोड़ा सा और मैं अफ्तारने का दिखा दूँगी जब हम खा रहे थे। तो देखिए रात में कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम खा पी रहे हैं सब अपना, और भी सिर्फ अफ्तार है हमारे पास में। और देखिए शरबत कैसे अच्छे लग रहे हैं, ये हमारे पास होटल में भी था और बाद में आदिल लेकर आया था तो थैलियों में पैक करा के लाया था और गिलास लेकर आया था। तो बस हमने ज़्यादा तो नहीं दिखाया और अब हम जो थे खड़े हो गए हैं। और ये देखिए थोड़ी देर के लिए लाइट जलाई थी, फिर ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से लाइटें थोड़ी सी ऑफ कर दी थी, तभी लाइट पब्लिक जाती है। और बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, हम कम से कम भी एक घंटे बाद में निकले थे और फिर भी हम गेट में फंस कर निकल रहे थे। और उसी टाइम निकलते अफ्तार के तो कितना रश था मैं बता नहीं सकती हूँ। अब ये जाने का है बाहर है और आ चुके हम, वहाँ हम बना नहीं सकते थे सीढ़ी और जामा मस्जिद से जब उतरे थे, तो ये तो हम आ चुके हैं आगे अंदर गलियों में जो आगे रहता है। तो हम आ रहे हैं छतली कबर की तरफ को, अभी हम हैं मटिया महल पे आ रहे हैं। तो ये ऐसे सजावट हुई भी है वहाँ पर और ये खाने पीने की बाजार है अभी। तो फ्रेंड्स अभी हम आए कुछ खाने के लिए होटल में। क्या आया? क्या चिकन टिक्का? तो अभी आया हमारा पूरा चिकन टिक्का विद बटर ग्रेवी
एंड साथ ही में चिकन चंगेज़ी हमने लिया है। निकालो निकालो। तो बस रात के जो थे बज गए हैं 9 और हम आ गए हैं बाहर निकल कर, जैसे कि मैंने थोड़ी सी मार्केट का सीन दिखाया था। तो हम आ गए हैं दरियागंज में, और दरियागंज में हमें भूख लग रही थी, 9 बज चुके हैं। तो हमने थोड़ा सा होटल में खाना खाया था, और खाना खाने के बाद में 10 बज गए, 10 बज के हम निकल गए हैं अपने घर को वापसी। तो बस आज का मेरा व्लॉग यहीं होता है ख़त्म। जामा मस्जिद का मेरा अफ्तार का व्लॉग कैसा लगा आपको? दिल्ली में फ़र्ज़ाना, बस दुआ में मुझे याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। Oh, oh, oh.